चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित शारदीय नवरात्र महोत्सव की शुरुआत रविवार से होगी। माता के दरबार में नवरात्र महोत्सव में विशेष अनुष्ठान होंगे। मंदिर और घरों में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद घट स्थापना की जाएगी। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक धार्मिक स्थल पर घट स्थापना एक दिन पहले होती है और पूर्णाहुति का भी एक दिन पहले ही की जाती है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित झाड़ताला मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र है, जहां पर मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, कोटा सहित प्रदेश के अन्य स्थानों से श्रद्धालु दर्शनार्थ के लिए आते हैं। विशेष तौर पर लकवा की बीमारी से पीड़ित लोग यहां रुककर काफी आराम पाते हैं। ऐसे में यहां झाताला माता मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर शारदीय नवरात्र महोत्सव शुरू होने के एक दिन पहले शनिवार को घट स्थापना हुई। रविवार सुबह माँ की प्रतिमाओं की विशेष श्रृंगार करने के बाद घट स्थापना की गई। मंदिर के पुजारी रोशनलाल गुर्जर ने बताया कि यहाँ पर अमावस के दिन नवरात्र महोत्सव की घट स्थापना होती है और अष्टमी के दिन ही नवरात्र महोत्सव संपन्न होता है। यहाँ पर लकवा पीड़ित लोग आते हैं और उन्हें काफी फायदा पहुंचता है। कई जिलों के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ पर 5 समय की विशेष आरती की जाती है। इधर झाताला माता मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए यहाँ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही चंदेरिया पुलिस थाने का जाब्ता भी यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात किया हुआ है। रोशन जी, बात की जाए नवरात्रों का शुरुआत हुई है, किस तरह से रहता है पूरा कार्यक्रम? अमावस के दिन बैठते हैं और आठम के दिन उनकी स्थापना होती है और यहाँ पर जो भी लकवा पीड़ित लोग आते हैं उनकी जो भी होता है वो जैसे लकवा मेला। तो क्या रहता है यहाँ पर? आज सुबह 7:30 बजे, दिन में 12 बजे, वापस शाम को 7:30 बजे, रात को 12 बजे, दिन वापस सुबह 4 बजे, 5 आरती होती है। यहाँ पर पहुँचते हैं? यहाँ पे बहुत दूर दूर के आते हैं, भीलवाड़ा, अजमेर, बार बार के दूर लकवा पीड़ित लोग हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए, ठीक है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने,